सब्सक्राइब कीजिए शालनीज मैजिक किचन को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालनीज मैजिक किचन। आज मैं आपको एकदम स्वादिष्ट और चटपटी मिर्ची फ्राई बनाना बताऊंगी, जो कि हम मार्केट में बिरयानी, पूरी, छोले भटूरे और पकौड़ों के साथ बड़ी चाप के साथ खाते हैं। ये मिर्ची फ्राई सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी के स्वाद को भी कई गुना बढ़ा देती है। तो गाइस, अब भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 25-30 हरी मिर्च ली है, जिन्हें मैंने पानी से अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। इन पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब सबसे पहले इनमें कट लगाएंगे। इस तरह से इनमें बीच में से एक चीरा लगा लेना है, जिससे कि इसमें अंदर मसाला अच्छे से लिपट सके। इस तरह से आप चाहें तो गोल गोल काट करके भी बना सकते हैं। ये मैंने सभी मिर्चों को इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। गैस पे एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साथ ही थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। दोनों को अच्छे से चटकने देंगे। थोड़ी सी डालेंगे हींग, इसे भी भून लेंगे। अब ये जो हमने मिर्चियां कट करके रखी हैं, इनको इसमें फ्राई करेंगे। मिर्ची को हमें लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मिर्च का कलर चेंज होने लगा है। बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ किसी हुए मसाले। थोड़ा सा डाल लूँ हल्दी पाउडर। चौथाई चम्मच से भी कम डाल लूँ देगी मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे वो मेन चीज जो कि हलवाई लोग डालते हैं। ये मैंने लिया है 1/2 चम्मच के करीब काला नमक, इसको ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इससे भी इसको बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है, एकदम चटपटा फ्लेवर। बहुत थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने करीब 2 चम्मच पानी लिया है, इसका इसमें छींटा लगाएंगे और इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सभी मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। दो मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, अगर आपके पास नींबू का रस है तो वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिर्ची फ्राई बनकर तैयार है। अब इन्हें एक बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, साथ ही कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।